अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मुद्दबाना इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। आओ अब चलते हैं मौजू की जानब। मौलाना रूमी का असल नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और शोहरत वाला नाम रूमी था। आपके वालिद मोहतरम और दादा जान दोनों का नाम मोहम्मद था। आपका सिलसिला नस्ब सिद्दीक अकबर से जा मिलता है। आपके वालिद का लकब बहाउद्दीन और वतन बलख था। वालिद मोहतरम साहेब पूरे खरासान में मुर्जाए खालिक थे। जब आपके वालिद की मुलाकात फरीदुद्दीन अत्तार से हुई तो मौलाना की उम्र उस वक्त 6 बरस थी। आप अपने वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद हलब तशरीफ़ ले गए। हलब तालीम का मरकज़ था। आप कई बरसों तक हलब में तालीम हासिल करते रहे। रूम जिस दर्स के लिए पैदा किए गए थे उनका गैब से समान शुरू था। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के सीने में इश्क व मारफत का जो समंदर मौजन था वो अपने से बहर बिखरने के लिए ज़बान इश्क का मुतलाशी था। आपने दुआ फरमाई, ऐ खुदाया अपनी मोहब्बत का जो ख़जाना तूने मेरे सीने में रखा है कोई ऐसा बंदा ख़ास अता कर जिसके सीने में मैं ये अमानत मुंतकिल कर सकूं। आपकी दुआ कबूल हो गई और सफ़र के लिए आप रवाना हो गए। आखिरकार आप रूमी के दर्स पहुंच गए। रूमी के तमाम शागिर्दों की किताबें बिखरी पड़ी थी। जब शम्स तबरेज़ ने पूछा कि ये क्या है तो रूमी ने कहा कि आप नहीं जानते ये क्या है। अचानक किताबों में आग लग गई और मौलाना ने पूछा ये क्या है। आपने फरमाया ये वो चीज़ है जिससे आप ना वाकिफ हैं। आप वहाँ से रवाना हो गए और मौलाना रूम की हालत तब्दील हो गई। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करना। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।